हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मूंग का चीला बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने मूंग को भिगोई है, देखो पूरी अच्छी तरह भीग चुकी है। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में और इसमें थोड़ा सा जीरा, नमक और दो तीन कलियां लहसुन की, थोड़ी सी मिर्च, हल्दी मिक्स करके इसका बैटर बना लेंगे। थोड़ा सा हमने कढ़ाई में घी डाला है, देखिए इस तरह से हमने बैटर डालना है इसमें। ये इसको पूरा अच्छे से चम्मच से मिला लेना है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख देंगे या फिर हम ढक के भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारा बन गया है, पलट लिया है हमने, देखिए बिल्कुल चिपका भी नहीं है। बहुत ही टेस्टी और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों के टिफिन के लिए भी आप डाल सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से पलटते रहेंगे। अब हम निकाल लिया है इसको, हम दही के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी खा लेंगे। फिर हमने दूसरा फिर वैसे बनाना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। ये देखिए इस तरीके से हमने कढ़ाई पूरी ऑयल को फैला लिया है। अब हम इसको भी इस तरह से फैला लेंगे। कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ, कलर भी कितना सुंदर लग रहा है इसका। ये देखिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।